జిందాబాద్. ఆఫీసర్ యూనిటీ జిందాబాద్. ఆఫీసర్ యూనిటీ జిందాబాద్. ఆఫీసర్ యూనిటీ జిందాబాద్. స్థాయి ప్రసైడ్ లాగు గారు. స్థాయి ప్రసైడ్ లాగు గారు. స్థాయి ప్రసైడ్ లాగు గారు. స్థాయి ప్రసైడ్ లాగు గారు. జనగణన హోనీ చాయే. జనగణన హోనీ చాయే. ఓబీసీ జనగణన హోనీ చాయే. ఓబీసీ జనగణన హోనీ చాయే. ఓబీసీ జనగణన హోనీ చాయే. జీడి శర్మ హై హై. 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 బ్యాగన్ క్లాస్ కమిషన్ 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 హై హై. జీడి శర్మ హై హై. జీడి శర్మ హై హై. జీడి శర్మ హై హై. జీడి శర్మ హై హై. मैं बंसीलाल चौधरी, मेरे साथ मोहन पवार जी और मेरे साथ राकेश अपने वर्मा जी। सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों को रिजर्वेशन मिली हुई है आर्टिकल 15(4) और 16(4) के तहत कॉन्स्टिट्यूशन, उन लोगों की रिजर्वेशन को डाइल्यूट किया जा रहा है। डाइल्यूट कैसे कर रहे हैं कि जो देखिए, हम जब अपर कास्ट के लिए 10% EWS रिजर्वेशन जो लागू कर दी गई 2019 के अंदर, तो फिर अपर कास्ट को आरबी में घुसेड़ने की क्या बात है, ALC में घुसेड़ रहे हैं, फिर उसके बाद पहाड़ी स्पीकिंग में घुसेड़ रहे हैं। उधर गुजर बकरवाल देखो, उनके अंदर पहाड़ी स्पीकिंग ला रहे हैं। तो मेरा मतलब कहने का कि डाइल्यूट मोदी सरकार ने यह बात इस बात की प्रण कर लिया हुआ कि जो देश के अंदर रिजर्वेशन SC ST और OBC को मिल रही है, इसको डाइल्यूट करो, इसको डाइल्यूट करते जाओ ताकि ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाए। तो मेरा मतलब कहने का, जब जम्मू कश्मीर में
आप भी जानते हैं इस बात को कि 27% रिजर्वेशन जो है वो जम्मू कश्मीर में आज तक लागू नहीं किया है। ये आपके पास मौलाना आजाद स्टेडियम है, प्रधानमंत्री यहाँ 2014 में आए और उन्होंने जब चुनाव हो रहे थे जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर, तो इन्होंने उस वक्त जहाँ पे बोला कि 370 दफा का सबसे ज्यादा नुकसान ओबीसी के हो रहा है। मोदी जी, मैं आपको मीडियम के माध्यम से पूछता हूँ कि आपने आर्टिकल 370 खत्म किया, लगभग 4 साल हो गया, लेकिन जम्मू कश्मीर में जब केंद्रीय सरकार यूटी बन गई तो केंद्रीय कानून जो है धारा 370 खत्म होनी हो गई तो लागू होना चाहिए यहाँ पे, जो उनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। जब आपने यहाँ पे मौलाना आजाद स्टेडियम में वायदा भी किया, जब आपने मध्य प्रदेश के अंदर लागू है, महाराष्ट्र के अंदर लागू है, उत्तर प्रदेश के अंदर लागू है, इसके बाद देखिए आप संविधान की धारा 243 D6 जिसके तहत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और पंचायती राज सिस्टम में अर्बन लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन मिलनी चाहिए संविधान के द्वारा अधीन, लेकिन जम्मू कश्मीर में आज तक ये पंचायती राज, आप लखनपुर से लेकर पुंछ चले जाइए, लखनपुर से लेकर श्रीनगर चले जाइए, आपको ओबीसी का ढूंढा सरपंच नहीं मिलेगा, आपको कोई कारपेटर नहीं मिलेगा। आबादी कितनी है, 1931 जनगणना हुई थी इनकी, उसके बाद जनगणना बंद कर दी गई। हाँ, हमारी 3 डिमांडे हैं। एक तो जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण लागू करो, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 16/11/1992 के तहत। दूसरी मांग हमारी ये है संविधान की धारा 243 D6 और D6 उसके तहत जम्मू कश्मीर के पंचायती राज सिस्टम और अर्बन लोकल बॉडी में 27% रिजर्वेशन मिलनी चाहिए ओबीसी को। तीसरी बात हमारी ये है, जब 1931 जब अंग्रेज का राज था यहाँ पे, तो उस वक्त लास्ट जनगणना हुई थी ओबीसी की, लेकिन 1931 के बाद जनगणना जो हुई नहीं ओबीसी की, हम चाहते हैं कि जो जनगणना 2023 में होनी है उसके अंदर ओबीसी का सेपरेट कॉलम होना चाहिए, जैसे शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, मुस्लिम का, सिख समुदाय का, भारत में कितने जानवर हैं, ऊंट कितने हैं, गड़े घोड़े कितने हैं, भैंसे कितने हैं, लेकिन ओबीसी की गिनती नहीं करेंगे, क्योंकि ओबीसी 52% इनको पता है, हर 2 आदमी के पीछे एक ओबीसी है, हर 2 आदमी के पीछे देश में एक ओबीसी आदमी है, लेकिन ये ओबीसी की जनगणना नहीं करते हैं। जीडी शर्मा मोया है कि होया।